हेलो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिब जू के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो शायद आप नहीं जानते। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि शिब जू डॉग ब्रीड लगभग 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी डॉग ब्रीड है, और कुछ ब्रीड हिस्टोरियंस का यह भी कहना है कि शिब जू डॉग के जो पूर्वज थे वो लगभग 1000 साल से चाइना और तिब्बत में रह रहे हैं, जिन्हें बाद में डेवलप करके शिब जू ब्रीड को बनाया गया। पर आज तक कोई श्योर नहीं है कि ये ब्रीड एग्जैक्ट कितने साल पुरानी डॉग ब्रीड है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि शिब जू वर्ड का मतलब क्या है? शिब जू का मतलब होता है छोटा लॉयन। ये मैंडरिन लैंग्वेज का एक वर्ड है। 1969 में यूएस के अमेरिकन कैनल क्लब ने शिब जू को एज अ डॉग ब्रीड रजिस्टर किया था। शिब जू इंडिया में पहले इतने पॉपुलर नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी के टाइम में ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। शिब जू शिकारी या गार्ड डॉग्स तो नहीं होते, लेकिन ये बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। ये टॉय ब्रीड भी कहलाते हैं। डीएनए रिसर्च के अनुसार ये डॉग्स दुनिया के 14 फैसी नस्लों में से एक है। इन्हें कजाके के फूल के जैसे चेहरे वाले डॉग्स के नाम से भी जाना जाता है। इनको ये नाम इसलिए मिला क्योंकि ये जब छोटे पप्पी होते हैं तो इनके बाल इनके फेस की तरफ ग्रो करते हैं, बिल्कुल एक फूल की तरह। इन्हें छोटे बच्चे और दूसरे डॉग्स के साथ खेलना अच्छा लगता है, बट इनका ध्यान रखना जरूरी होता है, वरना ये अपने से छोटे डॉग्स को एक्सीडेंटली नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से शिब जू डॉग ब्रीड लगभग खत्म हो गई थी। जितने भी शिब जू डॉग आज हम देख रहे हैं वो उस वक्त के बचे हुए 14 डॉग से ही है, जिनमें 7 मेल और 7 फीमेल थे, जिन्हें आपस में ही ब्रीड करके धीरे धीरे इस ब्रीड को आगे बढ़ाया गया। इनमें डबल थिक कोट होता है, जिसमें बाहर का कोट हार्ड और अंदर का कोट सॉफ्ट होता है। इन्हें ब्रशिंग और ग्रूमिंग की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, जिससे इनका कोट अच्छा और शाइनी रहे, क्योंकि शिब जू की खूबसूरती इनके कोट से ही होती है। अगर इन्हें ग्रूमिंग ना किया जाए तो इनका कोट खराब हो सकता है, जिस वजह से इन्हें काफी हेल्थ इश्यूज को झेलना पड़ता है। शिब जू बहुत ही अलर्ट, फ्रेंडली, प्लेफुल और अपने ओनर के लिए डिवोटेड होते हैं। शिब जू दिखने में इतने प्यारे होते हैं कि हर कोई इन्हें पसंद करता है। ये ठंडे वेदर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, और हाँ, ये भी हमारी तरह सोते वक्त खर्राटे लेते हैं। ये काफी स्मार्ट तो होते ही हैं, साथ ही काफी जिद्दी भी हो सकते हैं अगर इन्हें अच्छे से ट्रेन ना किया जाए तो। ये कई कलर्स में पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लैक, डार्क ब्राउन, गोल्ड, व्हाइट, लिवर एंड व्हाइट, रिंडल ब्लू और ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स में पाए जाते हैं। बात करें इनके वेट की तो मेल का वेट 5 kg to 8.5 kg होता है, और फीमेल का वेट 4.5 kg to 8 kg के बीच होता है। इनमें मेल की हाइट 23 टू 28 सेंटीमीटर होती है और फीमेल की हाइट 22 25 सेंटीमीटर होती है। शिब जू का ओरिजिन चाइना से माना जाता है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।